मैंने ये देखा गया है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई शख्स आता है तो वो हमारे लक को और बढ़ा देता है, हमारे भाग्य को बढ़ा देता है, हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। बिग बॉस के घर में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में एक गजब की ट्यूनिंग देखने को मिली। हालांकि शहनाज गिल ने यह भी कहा कि वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को पसंद भी करने लगी। हालांकि इन दोनों ने बाद में अपने इस जो इनके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा जो एक रिश्ता डेवलप हुआ था, उन्होंने आखिरकार उसे दोस्ती का नाम दे दिया। लेकिन अब जो कि उनका शादी का जो स्वयंवर है, खुद की शादी का जो स्वयंवर जो होस्ट जो शुरू हो गया है शो कलर्स पे, उसमें सिद्धार्थ शुक्ला भी इनके साथ रहेंगे, तो क्या लगता है ये जोड़ी एक बार फिर एक नए शो में है और ये शो आपको कितना हिट जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है कि इनका न्यूमरोलॉजी पर आते हैं थोड़ा सा, ज़रा न्यूमरोलॉजी से, इनका जन्म जो है 27 जनवरी को हुआ है, तो मूलांक इनका 9 बनता है। 9 मूलांक वाले जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, गुस्सा भी बहुत आता है अचानक से। देखा है हमने कि किस तरीके से वो काफ़ी गुस्सा भी शो में करती थी, कभी नाराज़ हो जाती थी, और भावुक एक नंबर है 9 मूलांक, और बहुत ही पावरफुल है। यानी कि हम शहनाज कौर गिल को कमज़ोर नहीं आँक सकते, क्रोधी स्वभाव उनका कभी कभी हो जाता है, इमोशनल बहुत हैं और दिल की ज़्यादा सुनती हैं वो दिमाग से ज़्यादा, ये इनकी कुंडली कह रही है। तो 9 नंबर जो है अपने आप में कंप्लीट नंबर है, पावरफुल नंबर है। जो चीज़ ठान लेते हैं ना वो करके छोड़ते हैं और अपने भावनाओं का इजहार खुल के करते हैं जी। हमने कितनी बार देखा है उन्होंने शो में सिद्धार्थ को लेकर खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। सलमान खान के साथ जब वो मैंने देखा था ओपनिंग जिस दिन शो में आई थी, तो उसी दिन उन्होंने बोला सर मुझे आपके साथ डांस करना है, तो अपनी फीलिंग्स को खुलकर वो बोलना चाहती हैं, पूरी तरह एक्सप्रेस करती हैं, और जो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है उसको सफलता भी जल्दी मिलती है। तो हमने देखा डे वन से ही सलमान खान भी पंजाब की कैटरीना कैफ से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो गए थे, बड़े खुश हो गए थे। तो और ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सिद्धार्थ शुक्ला और अपना शहनाज कौर गिल की कुंडली में, कि इनकी कुंडली में ही एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा चाहते हैं, इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पावरफुल रहेगी, इनका रिलेशन भी बहुत अच्छा बिल्डअप हो सकता है। जैसे हमने इनकी कुंडली भी मिलाई थी पहले, तो कुंडली मिलान भी इनका बहुत ही अच्छा है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे का प्यार भी करेंगे, एक दूसरे की केयर भी करेंगे। तो इन दोनों की चाहे दोस्ती कंटिन्यू आगे बढ़े, आगे रिलेशन भी बनता है, तो वो साथ इनके लिए बहुत बढ़िया है। और इनके 7th हाउस में जुपिटर है, लगन में इनके चंद्रमा है, ये संकेत देता है कि ये इनका जो इनकी लाइफ में जो व्यक्ति आएगा वो उनके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। तो सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज के लिए बहुत लकी हैं, ये इनकी कुंडली भी कह रही है। इनका साथ इनको अगर ऐसे ही मिलता रहा तो इनका करियर बहुत आगे जाएगा। तो इन दोनों का मेरे हिसाब से ट्यूनिंग जो इन दोनों की मैचिंग है वो कंटिन्यू आगे ऐसी रहेगी, और दोस्ती इनकी बहुत अच्छी चलने वाली है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी, इतना लोगों का प्यार मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं फाइनल 6 में?
ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग गुड और मुझे बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे सिद्धार्थ और मुझे ही सिर्फ कुछ मिल रहा है, बाकी 20 के 20 ठनठन गोपाल हैं उनको कोई प्राइस नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। टॉप टू में आसिम ने आके भी क्या ही उखाड़ लिया, कुछ नहीं मिला उसे, एक वीवो का फ़ोन तक नहीं मिला। मजाक कर रहा हूँ पर ही डिजर्विंग लड़का है, बहुत अच्छा किया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव हिम, जो भी था शो में था वो बकवास था, अभी बाहर सब प्यार प्यार है। बाकी हाँ ये बोलूँगा कि सिद्धार्थ और मुझे ही कुछ ना कुछ मिला है। जर्नी अपनी इतनी अमेजिंग रही है कि लोगों ने प्यार दिया है और कलर्स वालों ने भी मुझे बताया कि मेरी कितनी पॉपुलैरिटी हो रही है बाहर, और एक नया शो भी दिया। और समझदारी तो इसी में ही थी कि आया भी अपनी मर्ज़ी से था और गया भी अपनी मर्ज़ी से ही, कुछ ना कुछ लेके ही जा रहा हूँ, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो आई एम लकी इनफ, आई हैव गॉट एवरीथिंग। आप सब लोग सोचते हैं कि मैं विनर होता काश, तो इतना सोचना भी मेरे आप में अपने आप में एक विनिंग ही है। विनिंग में मुझे लगता है एक ट्रॉफी और पैसा मिलता, और अभी सिद्धार्थ जैसे विनर है उसको पता नहीं कि वो नेक्स्ट क्या कर रहा है, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो सब सॉर्टेड है भाई। ओके सर, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लोगों जी, का प्यार मिला, तो जी, क्या मकसद था आपका जो 10 लाख का जो प्रीमियम लेके आपने? मकसद क्या था? बस यही था कि कुछ लेके ही जाओ, बेवकूफ़ों की तरह ये भी रद्द नहीं करना, रद्द कर दिया जितना करना था स्टार्टिंग से। हाँ पर लोगों की फीलिंग्स को मैंने तो रद्द कर ही दिया, बेचारे 20 रद्द हो के ही गए, कुछ नहीं मिला, मुझे तो सब कुछ मिला। मेरा सपना बिग बॉस था पहले, सबसे पहले वो मिला, उससे मुझे मेरे काम को कोई इफेक्ट ना हो, मुझे छूटते काम मिला और जनता का प्यार मिला, फेम मिला, दोस्ती मिली, माहिरा मिली जो कि इतनी अच्छी दोस्त है, और इतना सेंस मिला कि लोग क्या चीज़ें देख के क्या क्या बातें कर सकते हैं और आपको उनकी बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। तो बहुत कुछ मिला बिग बॉस से, बिग बॉस से मुझे सब कुछ मिल गया, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड एंड वेरी सेटिस्फाइड। जैसा पारस साहब ने कहा कि आपकी जर्नी बहुत ही अनोखी रही है, एक फ्रेंडशिप भी बनाई जी, जी। पर बाहर एक लव एंगल क्यों भी देखा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना? हाँ यार पता है, मैं भी बड़ा सैड हो गया था ये बात सुन के कि मेरा घर का कोई टॉपिक आ नहीं रहा और बाहर के टॉपिक में मेरी वाट लग रही है, और जहाँ पे उन्होंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। तो ये सब बातें देख सुनने के बाद शॉक था मैं, और ये सब बातें सुनने के बाद अब ऐसा तो दिखता है कि अब फ्यूचर तो नहीं है, तो बेटर है कि हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ो, और मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करिए, बस सिंपल है। ओके, इसके बाद आपकी और एक आ रही है आपकी न्यू शो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझसे? वही मैं कह रहा हूँ, मेरा नया शो आ रहा है, सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया वाले भी उतना ही रिस्पॉन्स दें, उतना ही प्यार दें, कि जैसे हमारा शो आगे बढ़े मैं आगे बढ़ूँ, और आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ मुझे एक लाइफ पार्टनर भी अच्छी मिल जाए, जो इतना बाहर हुआ आप सभी लोग जानते थे, तो समझदार हैं ही, और जनता भी बहुत समझदार है कि अगर किसी के एब्सेंस में ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो क्या कोई क्या करना चाह रहा है। तो बस अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ, आप लगा डावरा इज़ बैक है ना, और बस अब प्यार दो और प्यार लो। ओके पारस सर, लास्ट सवाल, आकांक्षा ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है, हाँ, तो आप आगे जाके उनसे बात करेंगे, मिलके क्या क्या क्या, क्या कंटिन्यू रखेंगे यार? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं सलमान सर के साथ भी मेरा थोड़ा सा झड़प हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरी सलमान सर से झड़प हो गई तो वो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो मेरे लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है वो चीज़, तो इसलिए अभी नेगेटिव बातें नहीं करते हम, सब पॉजिटिव है, और मुझे उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्लियर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, पर हाँ अच्छे से अच्छे से, क्योंकि प्यार खुले में करना चाहिए और झगड़े बंद कमरों में, तो अगर झगड़ूंगा तो थोड़ा सा बंद कमरे में झगड़ूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा, और आप कुछ उल्टा सीधा मत छाप देना। आबरा का डाबरा, मैं हूं पारस छाबरा। ओ यही तो सुनना एक नंबर, वंस मोर द, वंस मोर बस, आबरा का डाबरा, मैं हूं पारस छाबरा। पारस भाई यहां पे देखिए, अभी यहां पे लो 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 जल्दी लो, हो गया ओके, एक बार यहाँ पी के साथ यहाँ पे देख घंटा पी किसी को चाहिए।
अरे हीरा भाई पी लो एकदम। पारस भाई इधर नहीं, एक मिनट यार। Thank you.